उज्ज्वल भविष्य के लिए वो देख पा रहे हैं हम। तो मेरे दिमाग में लास्ट क्वेश्चन घूम रहा था, लेकिन मैं उसको अभी शायद भूल चुका हूं। लेकिन आपने जिस तरीके से डीप स्टेट के ऊपर बताया, वो एक अल्टीमेट लेवल पर है, और ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल की लड़ाई है। अच्छा, लास्ट लास्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा था, मणिपुर को इसमें कहाँ खड़ा हुआ देख सकता है? डीप स्टेट हम छोड़ दें 2 मिनट, मणिपुर वायलेंस इसके ऊपर भी थोड़े से अगर आपके कुछ शब्द। सर देखिए, काफी सारी चीजें लेवरेज गेम के लिए की जा रही हैं, और पता नहीं क्यों मुझे इस बार लग रहा है कि जो मणिपुर में हो रहा है उसमें चाइनीज हैंड कम और अंकल सैम का हाथ ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, और अंकल सैम का जो ग्रेट गेम है जो अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा है, इसमें वो मिडिल ईस्ट की सप्लाई लाइन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें भारत थोड़ा सा रिजिड बना हुआ है, और भारत को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से थोड़ी दोस्ती हो जाए, तो थोड़ा सा लेवरेज गेम है ये, और उनके काफी सारे चर्चेज हैं, उनके थ्रू काफी चीजें हुई हैं जिसके फल स्वरूप ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हाजिर हो। यानी ये साफ साफ ये है कि भारत को झुकाने के लिए, चाहे वो पन्नू वाला मामला हुआ चाहे वो मणिपुर वाला मामला हुआ, दोनों जगह पे घेरने की कोशिश की जा रही है। डिमांड मिडिल ईस्ट में क्या है इंड भारत से? डिमांड मिडिल ईस्ट में यही है कि आप ईरान पे थोड़ा सा हाथ हौला करें, और जो हम डर्टी गेम खेलना चाहते हो खेलने दें, बलूचिस्तान में हमें आने दें, पाकिस्तान से अपनी दोस्ती करें, इस तरह की कुछ डिमांड्स हैं। और इंडिया में पैसिफिक में थोड़ी सी हमारी प्रेजेंस को इंश्योर करें, क्योंकि वो चाहते हैं इंडियन पैसिफिक को वो डोमिनेट करें, जो कि हम नहीं इजिली वो नहीं करने देने वाले। यानी गेम कहीं और ही है। बिल्कुल सर, कहीं बिल्कुल कहीं सर, और भी कहीं गेम हो कहीं और भी गेम सकता हो सकता है। गेम मतलब ये वाली जो गेम है, ये मिडल ईस्ट का जो मामला है वो चर्च के थ्रू अंकल सैम खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इंडिया ईरान के जो रिलेशंस हैं यहां पर, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ईरान पर हम हाथ हमला कम रख हल्का रखें, ये लास्ट एक ही पॉइंट, और ताकि मणिपुर का कनेक्ट हमारे को हो जाए। सब ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम चाहते हैं कि ईरान मेन स्ट्रीम हो, और भले ईरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ईरान हमारे लिए फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा पोर्ट है वहां पे, हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल कनेक्ट्स भी हैं, और हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्ट तो बहुत दूर की बात है, अगर आपके बिजनेस इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी कीमत पे उसको लूज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और आपका जो ट्रेड रूट है अगर वो कॉम्प्रोमाइज होता है तो डायरेक्टली विक्टिम भले ईरान और रसिया होंगे या चाइना भी होगा बलूचिस्तान में अमेरिकन सिटीजन से, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमें ही इंपैक्ट करेगा। डन। तो इस तरीके से इंडिया के सारे कंसर्न्स को हमने इस टाइम पर देख लिया कि किस किस तरीके से सिचुएशन जो है वो कहाँ की कहाँ घूम रही है, चाहे वो किसान आंदोलन दिखाई दे रहा हो, कश्मीर के अंदर भी हमारे को कहीं ना कहीं एक अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मणिपुर दिखाई दे रहा हो, चाहे वो मिडल ईस्ट और ईरान नजर आ रहा हो, चाहे बलूचिस्तान, सब चीज़ें घूम रही हैं और सबकी डोर एक दूसरे से बड़ी हुई एक जाल है। अब वो उसमें भविष्य मल्लिकाओं के अंदर भी हम घूम फिर के आए हैं, तो एक शॉर्ट में हमें ये नज़र आया कि कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का गेम है जिसे हम कॉम्प्लेक्स मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारी बार हमारे को एक वीडियो में एक एस्पेक्ट को पॉजिटिव वे में देखना पड़ता है, और अगले वीडियो में पॉसिबली उसी एस्पेक्ट को थोड़ा सा नेगेटिव वे में देख के कोई दूसरा एस्पेक्ट पॉजिटिव वे में देखना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशंस के अंदर अलग अलग डायमेंशंस कहीं कहीं फंसी हुई है। अब आगे जाके क्या बिल्कुल होता है वो तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतना ये है कि सिचुएशंस आर क्रिटिकल। अब यहां पर हम अगर देखते हैं तो इस टॉपिक को तो खैर हम यहीं डिस्कस करके रोकते हैं। जुनैद भाई का सबसे पहले तो धन्यवाद, अपनी तरफ से कोई आ, आ, जो आपका क्या कहते हैं कंक्लूडिंग कमेंट हो वो बताइए, फिर इस वीडियो को यहां अंत करें। देश थोड़े से मुश्किल दौर में जाने वाला है, और भारत के लोगों से यही अपील है कि किसी भी तरह के प्रोपगेंडा का शिकार ना हो। ठीक है ना, और प्रोपगेंडा कई तरह के किए जाए, कई लोग बहुत ज्यादा देशभक्त सनातनी हार्डकोर नेशनलिस्ट बन के आएंगे और आपको मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मोदी जी ने क्या किया हिंदुओं के लिए, मौलाना मोदी,
मोदी वर्सेस योगी, इस तरह की काफी बातें होंगी। और ऐसे जो लोग हैं जो सनातनी मतलब हार्डकोर नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट चैंपियन काफी चीजें कर रहे होते हैं, वो अभी रिसेंटली एक्टिवेट होना शुरू हो चुके हैं। इनका गेम प्लान ये है कि कुछ भी करके जो हार्डकोर बीजेपी के वोटर्स हैं उनमें डिस्ट्रस्ट क्रिएट करो, नोटा दबाओ, फिर बाकी जो जमातें हैं विपक्ष की वो अपना काम करें और एक कमजोर सरकार बने जिसे कंट्रोल करना आसान। ठीक है, अगर आपको कांग्रेस को वोट देना है तो पूरी तरह से दो, और अगर आपको बीजेपी को वोट देना है तो पूरी तरह से दो। एक कमजोर सरकार देश हित में बहुत कुछ नहीं कर सकती। जुनैद भाई, आपने जो कहा उसे मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग वाले हैं, शहर के नाम पे डायलॉग चलाते हैं, वो किसी टाइम पर कांग्रेस की एक मुख्यमंत्री के भतीजे कहे जाते हैं। अच्छी खासी पोस्ट पर, कांग्रेस गवर्नमेंट में अच्छी खासी जगह पर है, और वो तो अभी जुनैद भाई भी कह देंगे कि उनके सामने गलती से सीबीआई और आईपीएल का नाम ले दिया जाए तो भाई साहब वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और हो सकता है वो आपकी रिकॉर्डिंग या वीडियो वहीं बंद कर दें। और उन्हीं के साथ एक जो दो बंदे खासकर जिन्होंने एक हिंदू के ऊपर किताब भी लिखी है अभी रिसेंटली, और दूसरे वो जो भाई साहब है ना, मतलब पता नहीं एक अलग ही लेवल पे हैं, और उनका तो नाम मैं क्या बताऊं, नाम तो हम किसी का भी नहीं ले सकते, लेकिन रियलिटी मोटे ये मोटे है। बोल बात कर रहे हैं, तो मोटे मोटे हाँ, बोल मोटे बात मोटे से कर जो रहे है, हैं। हेयर स्टाइल थोड़ा सा मेरी तरह है, बस हरकतें मेरी तरह थोड़ी सी नहीं है, मेरे अंदर रूडनेस है, उनके अंदर ढीलापन ज्यादा है। हाँ, वो हाँ, ढीलेपन की एक हिस्ट्री है। वो ढीलेपन की हिस्ट्री बाद में देखें भाई। मैं अपने, मेरे को कई लोग कहते यू आर सो रूड, अब मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन उस भाई को देखा तो पता लगा कि ठीक है भाई, मैं रूड ही ठीक हूं। सर वो जो ढीलेपन की हिस्ट्री है वो भी एक हिस्ट्री है। तो मैं जो चीज कह रहा था, ये दोनों के दोनों एक टाइम पर अल्ट्रा लेवल कम्युनिस्ट थे 2019 से पहले। अच्छा, 2019 से पहले इनका एक अवतार निकल कर आया, और अवतार ये था कि हिंदुओं के लिए मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लेकिन जैसे ही जून 2023 बीता और इलेक्शन ईयर स्टार्ट हुआ, ये एकदम से प्रोपगेंडा चलाने लग गए कि मोदी, और जुनैद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मोदी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, हिंदुओं को ही हिंदुस्तान में कुछ नहीं मिला, हिंदुओं को ही कुछ नहीं मिला, और मैंने अपनी किताब में लिखा है ये साहब है। सॉरी, नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आजकल ये यही प्रोपगेंडा चला रहे हैं। हाँ, न्यूज लॉन्ड्री और उनके नाम के साथ आप कॉम्बिनेशन डाल के आप सर्च करें, हाँ, आपको काफी सारे आर्टिकल मिलेंगे पढ़ने को। पास्ट में मोदी जी को सांप बोला, क्या क्या नहीं बोला। और एकदम से नया अवतार आता मोदी जिंदाबाद वाला, और एकदम से फिर वो गायब हो जाता, और उसके बाद कहता ना 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 ना, हिंदू खतरे में। ये नैरेटिव आ रही है, बिल्कुल जुनैद भाई ने सही कहा। दूसरे वाले भाई साहब जो, वो भी ऐसे ही थे, और उसके बाद जो है एकदम से उनके अंदर भी बदलाव आ गया। और तीसरे वाले भाई साहब को तो पूछोगे किसी टाइम पर उनका किस किस घपले घपाजी के अंदर नाम आया है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि एक अल्ट्रा लेवल की सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हैं, एंटी मोदी माइंडसेट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, और 2024 से पहले बरगला कर, नोटा दबा कर, कैसे भी करके सरकार, कमजोर सरकार लाने की कोशिश की जा रही है। और कमजोर सरकार है ना भाई, सीधी सी बात है, 5 MP वाली किसी भी पार्टी को 2 मिनट के अंदर डीप स्टेट खरीद लेगा, और उसके बाद आप कहीं ना डोकालाम में 73 दिन तक खड़े होंगे, 73 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे, और फिर हमारे नीचे से क्या निकाल कर ले जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। तो भाई सोच समझ के इस समय पर एक अलग लेवल का वॉर चल रहा है, और 24 की ये अंतिम लड़ाई है डीप स्टेट की, अंतिम लड़ाई है चाइना की, और अंतिम लड़ाई है बहुत से उन लोगों की जो अब उसके बाद उनके अस्तित्व ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। और इसके ऊपर मैंने जान के एक वीडियो बनाया था, वो नहीं अपलोड किया, उसमें सोचकर देखिए, द गार्जियन जैसा न्यूज़पेपर एक आर्टिकल लिखता है कि मोदीज विक्ट्री इज इनएविटेबल, लेकिन जब वो मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें उसकी हेट्रेडनेस दिखाई दे रही है, हताशा दिखाई दे रही है, और लोगों को उस मैसेज में भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी विरोधियों एक हो जाओ वरना अच्छा नहीं हो। हालांकि मैंने उसमें कुछ ज्यादा एरोगेंसी दिखा दी, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पर टॉपिक था,
और वो एक नैरेटिव वॉर ही था। तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं रखेंगे। जुनैद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को तीन टॉपिक्स में डालें ताकि सिचुएशन जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों भाई अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जुनैद जय भाई। जय जय हिंद। सर।